और आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये वाली अपनी सीट है, 7 घंटे का सफर है। सारी ट्रेनें ज्यादातर लेट ही हो रही है। बहुत ज्यादा साफ सुथरी है भाई साहब। ये थर्ड एसी, ये साइड लोअर है, ये अपर लोअर है। सबसे बेस्ट ट्रेन लगी है मेरे को। हाथ मार के देखिए, दिल्ली आ गए एक बार। क्या चिपट गए, देख क्या चिपट गए। उनका एक्सीडेंट हो गया। स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज थोड़ा जल्दबाजी में हूँ क्योंकि अब हम जा रहे दिल्ली और हमने ट्रेन कर ली। और ट्रेन का ऐसा मैटर हो गया कि भाई हमने ना जल्दबाजी में ट्रेन कर दी और टाइम रह गया कम। हमारी ट्रेन है 12 की, जो है बीकानेर। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। हालत बहुत ख़राब थी, एक हमारे बंदे की कार का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन में बैठ के बताऊँगा वो सारी कहानी क्या है। पहले अपने को ट्रेन पकड़नी है, दुरंतो एक्सप्रेस है दिल्ली की, नई दिल्ली की। तो चल रहे हैं यहाँ और देखते हैं ट्रेन आ रही है या कितने प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलो स्टेशन ही मिलते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा। स्टेशन ही मिलते हैं आपसे। ये आ गए हम बीकानेर रेलवे स्टेशन। अपना है B6, वो पीछे वाला है। ये है भाई अपनी ट्रेन सीलदा दुरंतो एक्सप्रेस 12260। और ये है बीकानेर रेलवे स्टेशन, पहुँच ही गए 15-20 मिनट पहले पहुँचे। भीड़ हो रही है, मतलब ठीक ठाक है अभी तो, पर ठीक है, सर्दी भी ठीक है नहीं? ठीक है, बढ़िया। हाँ, 11:54 हो गए, 12:15 पे अपनी ट्रेन चल देगी। ट्रेन के अंदर चलते फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई पहुँच गए हैं। ये भाई हमारे साथ है, आज लग रहा था ये छूट जाएगी, मिल गई। हाँ, हमें यही लग रहा था कि आज ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कर ली थी, हमने बिल्कुल एंड मोमेंट पे करी थी। तो हम तो बस से आ गए थे कि नोखा से और यहाँ तक फिर बस में आए, बाकी ये छूट गए थे। इनकी टेंशन हो रही थी कि ये ना रह जाए। अभी भी एक बंदे हमारे रह रखे, उनका वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। इनका आई सी ट्रेन में B4 है ना? अच्छा, आप इनका B2, इनका B4, हमारा B6। तो चलते हैं उस साइड, ट्रेन में बैठते हैं, दिखाते हैं फिर अंदर का माहौल क्या। ये आ गई हमारी ट्रेन, यहाँ खड़ी है पहले से और यहीं से बन के चलेगी। ये अपना कोच है B6, 25-26 यही है ना B6? B6 है। चलो भाई, ट्रेन तो साफ़ सुथरी लग रही है भाई साहब, ऊँचा ऊँचा लग रहा है बढ़िया। 25-26 51 35 27 पहुँच गए ट्रेन में, ये हम बैठ गए भाई। फाइनली बहुत दौड़ दाड़ के हम जैसे तैसे पहुँचे हैं। नौका से हमें लग गया था कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे, मगर फाइनली हमने ट्रेन पकड़ ली है। और आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। लास्ट तक देखना वीडियो, सब बताएंगे आपको। तो भाई फाइनली पहुंच गए, 12:15 पे हमारी ट्रेन यहाँ चल रही है। ट्रेन का नंबर है 12260 दुरंतो सीलदा दुरंतो एक्सप्रेस, और बीकानेर से चल के ये जाएगी नई दिल्ली, नई दिल्ली से फिर ये जाएगी लास्ट तक जाएगी सीलदा तक। तो मतलब काफ़ी लंबी ट्रेन है और अपना दिल्ली तक का जो सफ़र होगा 7 घंटे 15 मिनट समथिंग होगा। लेकिन अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो टाइम पर पहुँचेगी, वरना थोड़ी सी तो लेट होगी। और ये वाली अपनी सीट है, ये है इसकी पंकज की। ये थर्ड एसी का कोच है, 25-26 हमारी है, मतलब ठीक है, कोच भी अच्छा है। और साफ़ सफाई अगर ट्रेन की बोली अभी तक तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से बन के चल रही है, आगे का हम कह नहीं सकते। तो करते हैं सफ़र चालू और दिखाते रहेंगे रास्ते में। सो भैया, बीकानेर स्टेशन से हमारी ट्रेन अब चल चुकी है, थोड़ी लेट चली है, 12:15 का टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये 12:30 के बाद चली है। और स्टेशन अगर देखा जाए तो स्टेशन भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा ही स्टेशन है। ये देख लो भाई, बीकानेर जंक्शन। देखते हैं भाई कितने टाइम तक पहुंचती है ट्रेन। वैसे तो 7 घंटे का सफ़र है, 7 घंटे कुछ मिनट का, पर फिर भी कह नहीं सकते क्योंकि मौसम ऐसा ही है, अभी सर्दी है ना ज़्यादा, तो फोग वगैरह की वजह से जितनी भी ट्रेन है सारी ट्रेनें ज़्यादातर लेट ही हो रही है। हमारी भी आते टाइम जब हम आए थे तो हमारी जो ट्रेन थी वो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट थी, बट इसका नहीं पता क्योंकि दुरंतों में भी पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मैं। पिछली वीडियोस में देखा हुआ काफ़ी एक्सप्रेस ट्रेन जो होती हैं उनमें मैंने किया है सफ़र, और बट दुरंतो फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं इसका भी क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी देखने में तो साफ़ सफाई में तो अच्छी लग रही है ट्रेन, इधर से भी दिखा दूँ तो देख लो भाई, ये पैनिट्री का सामान रखा है सारा। ये आ गए हम कहाँ, ये आ गए हम दुरंतो एक्सप्रेस के वॉशरूम में।
वॉशरूम की अगर बात करूं तो भाई साहब ऐसा वॉशरूम मुझे अभी तक किसी भी ट्रेन में नहीं मिला। लाइट देखो, स्मोक डिटेक्टर है ये, देखो साफ सफाई के मामले में क्या दुरंतो एक्सप्रेस यार, क्या चमक ला रखी है। देखो फेस वॉश, सॉरी फेस वॉश कह रहा हूँ, हैंड वॉश, ये तो हर ट्रेन में देखा है, ये भी है, ये भी है। और नीचे देखो भाई साहब, मतलब इतना साफ सफाई मैंने नहीं देखी अभी तक किसी भी इंडियन रेलवे की ट्रेन में। सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को सिर्फ इसकी। इधर कूड़ादान दिया हुआ है, ये तो बंद ही रहेगा खैर, क्योंकि ये जो ट्रेन है पूरी एसी ट्रेन है। ये फ्लश वगैरह कर करना, ये रहा फ्लश के लिए, ये होता है ठीक है। बाकी तो डब्बे वब्बे भी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साफ सुथरी है, देखा जाए ना भाई, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है। और मेरे को सबसे बेस्ट सही बताएं तो इस ट्रेन में हाईली रिकमेंड है, अगर तुरंतों से सीलदा या फिर कहीं भी जो भी इसका रूट पड़ता है बीकानेर वगैरह, अगर इससे आपको ट्रेवल करना है तो इससे अच्छी चीज़ और इससे अच्छी रेल आपको कहीं सफ़र करने के लिए नहीं मिलेगी। देख बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। ये है भाई इसका बाहर का एरिया देख लो, ये भी साफ़ सुथरा है, यहाँ भी देख लो साफ़ सफाई अच्छी है। ये वेज नॉन वेज का सामान, ये अच्छा वो ओवन टाइप जो होता है ना वो है ये, मतलब ठीक है ट्रेन भाई साहब, साफ़ सफाई में एक नंबर ट्रेन लगी। उधर भी दिख, उधर तो क्या ही दिखाऊँ, वो तो एक ही जैसा है, बाकी साफ ट्रेन साफ सुथरी है। शीशे वगैरह बताओ, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ भाई ये देखो, ये थर्ड एसी ऐसी रहती है, ये सीट आ जाएगी बीच में से उठ के, तो ये एक दो तीन हो जाएंगी। और यहाँ सामान रखने के लिए ये है, शीशा दे रखा है, स्विच दे रखे हैं, ये सामान यहाँ भी रख सकते हो आप लोग ठीक है। पर्दे वर्दे शीशे पे दे रखे, साफ सुथरा है। और नीचे से भी देख सकते हो, ये साइड लोअर है, ये अपर लोअर है, अपर साइड लोअर है। और कंबल इधर दिए जाते हैं भाई, ये कंबल है, ये तकिए हैं, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, मतलब सबसे बेस्ट ट्रेन लगी मेरे को। ट्रेन बड़ी साफ सुथरी है भाई, बहुत सही, मतलब अंदर तक देख कायम वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ उधर से उधर तक पूरी बढ़िया अच्छी है। तो हाँ रिव्यू हाँ नहीं सही लगी, तो भाई ये ट्रेन तो मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर बीकानेर आना है या बीकानेर से दिल्ली जाना है, बीकानेर से सीलदा या कहीं भी जाना हो, तो तुरंत एक्सप्रेस उस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो भाई अब हमारी जो ट्रेन है वहाँ से चल के पहुँच चुके हैं श्री डूंगरगढ़ जंक्शन। डूंगरगढ़ ये राजस्थान में ही पड़ता है, और यहाँ रुकेगी, यहाँ मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। भागा दौड़ी मत रही है भाई साहब, तगड़े वाले इधर से बैठ जाओ, उधर सीट खुली है, इधर से आ जाओ। हेलो भाई, ये हमारी ट्रेन अब यहाँ से चल रही, 2 मिनट का स्टॉपेज था डूंगरगढ़ जंक्शन पे, और यहाँ से अब निकल चुकी है। बाकी पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है, सॉरी मेरी आवाज़ आ रही है यानी यारी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। बाकी ये पीछे था डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। तो भाई ये आ गया है चूरू जंक्शन, राजस्थान का ही स्टेशन है, चूरू का नाम तो सुना ही होगा ज़्यादातर। और यहाँ भी इतना ही है अपना, पाँच एक मिनट का स्टॉप होगा ना, तीन मिनट का, मतलब ज़्यादा लंबे शो वो नहीं है ना। हाँ ये सही है इस ट्रेन का, बाकी भीड़ भाड़ तो ठीक ठाक सी दिख रही है भाई स्टेशन पे। देख लो भाई ये है अपनी ट्रेन, और ये है चूरू जंक्शन, 3 मिनट का यहाँ स्टॉपेज है। सामान वामान रख रहे हैं, उड़न बच गया है, और अभी चलेंगे यहाँ से जब अपनी ट्रेन चलेगी। ये अपना कोच है, B6 कोच है इसका नाम, और सामने बंदे दिख रहे हैं, भीड़ बाहर दिख रही है आपको। चलते हैं अंदर, अरे भाई रुक जा रुक जा, अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं। तो भाई चूरू से तो अपनी ट्रेन चल चुकी है, स्पीड भी अगर देखी जाए अच्छी खासी पकड़ रखी है। और अगर टाइमिंग की बात करूँ तो भाई अभी तक तो मेरे को ट्रेन मतलब लेट लगी नहीं है, ऊपर नीचे टाइम चल रहा है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, परफेक्ट टाइमिंग मान के चल सकते हम लोग। साफ़ सफाई के मामले में बहुत बढ़िया ट्रेन है, और भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस था दुरंतो एक्सप्रेस में जो कि परफेक्ट रहा है। अभी तक मैंने जितना ट्रेवल करा है ट्रेन में, उससे सबसे ज़्यादा मेरे को यही ट्रेन पसंद आई है। तो अभी मेरे ख्याल से आएगा लुआरू, चूरू से चली है ना, तो अब लुआरू आएगा, तो लुआरू देखते हैं। और बाकी ये अपनी बोगी है भाई, देख लो बोगी भी साफ सुथरी है। तो भाई ये लुआरू रेलवे स्टेशन, यहाँ रुकी हमारी ट्रेन,
दुरंतो एक्सप्रेस और इसके बाद अब सीधी रुकेगी दिल्ली। तो 5-6 स्टेशन थे, अभी लास्ट है लुआरू का, राजस्थान में आता है लुआरू, इसके बाद सीधी रुकेगी अपनी दिल्ली। और दिल्ली का टाइम इसका 7:30 बजे पर, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, देखते कितने बजे तक चलती है। ये लुआरू रेलवे स्टेशन, यहाँ से चल रही अपनी ट्रेन, अब 3 मिनट का स्टॉप था। और कहीं भी अगर देखें ना अभी तक पीछे जितने भी स्टेशन थे, 5-6 स्टेशन, कहीं भी 3 मिनट से ज़्यादा अभी तक तो रुकी नहीं है ट्रेन बिल्कुल भी। स्टेशन की अगर बात करें तो भाई स्टेशन ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है। तो अब यहाँ से अपना सीधा आएगा दिल्ली। दिल्ली का समय होगा शाम के 7:30 बजे, और 7:30 बजे देखते 7:30 उतारेगी या थोड़ी लेट, क्योंकि लेट तो वैसे ही चल रही है ट्रेन। बाकी ये लुआरू का स्टेशन है, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह अच्छी दे रखी है, खाने पीने की सुविधा सारी है यहाँ पर। तो करते बाय बाय लुआरू को और चलते सीधा दिल्ली में। हाथ मार के देखिए दिल्ली आ गए एक बार। क्या चिपट गए, पहले उतर नहीं देंगे, उतरने दो पहले, हमें भी देखना है दिल्ली। पर चाहता कति चिप कर रहे हैं सारे, कौन कौन ही मार, कोई तो ना चढ़ने दे तो, उतरने दे तो। चलो भाई, अरे ना तो शांति बनाए रखी, रुक जा भाई रुक जा, उतरने तो दे। भाई साहब मैं भाई पहुंच गया अपना दिल्ली, ये ट्रेन है। ओके भाई, हाँ ठीक, चलो ओके, चलो। तो भाई पहुंच गए अपना दिल्ली, ट्रेन हमारी पीछे खड़ी है, ये पीछे हमारी जो ट्रेन है यही वाली हमारी थी। गेट देख लो भाई साहब, भीड़ देखो भीड़, ये है दिल्ली का हाल, ये जा रही है कलकत्ता ट्रेन, पहाड़गंज अजमेरी गेट किस साइड, किधर, इधर है, हाँ इधर है, फिर आ जा। चलो भाई चलो, है एक नंबर पे, एक नंबर दो, हाँ लिखा है PF1 वेटिंग ऑल। ये सारा आराम ही हो गया मैं बता रहा हूँ। भाई ये पहुँच गया अपन नई दिल्ली, और मेरे पीछे तो देख रहे हो मेट्रो स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। इधर ये खाने पीने की है सिस्टम, अगर आपको खाना पीना कुछ है यहाँ अपना कर सकते हो आराम से। और ट्रेन की अगर बात करूँ, ट्रेन बढ़िया थी, ट्रेन का जो किराया था दोनों ने किया था ना हमने, हमारा पड़ा था 1200 कुछ, मतलब एक बंदे का कुछ कितना हो गया, मतलब लगा लेना, मतलब यार कैलकुलेट कर लेना, हाँ भाई एक ने एक बात मैं आपसे, तो 1200 रुपये की हमारी टिकट थी बीकानेर से नई दिल्ली। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, शुरू में जब हम ट्रेन में चढ़े तो मैंने तो एक बात कही थी कि हमारे साथ हुआ धोखा। हाँ धोखा ऐसा है कि जब हम सुबह उठे तो अर्ली मॉर्निंग एक ग्रुप ने जैसलमेर जाना था, बाई चांस रोड पे फॉग बहुत था तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी चोट आई है मगर अब सब सही है। हाँ सब सही है बिल्कुल, सब अपने घर आ गए, सब अपने घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे साथ कार ड्राइवर थे हमारे मनोज भाई, देख रहे हो भाई मनोज भाई, तुम देख रहे हो ड्राइवर बता रहा है, मतलब हमारे भाई थे मनोज भाई, वो डर गए। उन्होंने कहा भाई तुम जाओ ट्रेन से और मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा अपने घर, मतलब तो ये सिचुएशन बनी हमारे साथ, इस वजह से हमें फिर ट्रेन में आना पड़ा, क्योंकि फोक भी ज्यादा थी, हम भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे और भाई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, भाई का प्यार इतना है ना अपने लिए कि भाई ने कहा भाई रिस्क नहीं लेना मैंने, तो बस यही मैटर था। तो अपन आ गए हैं नई दिल्ली, यहाँ से चल रहे हैं बाहर। तो भाई इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक अगली जर्नी में, तब तक के लिए बताऊंगा नहीं मैं कहाँ मिलूंगा अब, टाटा बाय बाय, राम राम। और हाँ घूमो यार घूमो, अब तो नया साल आ गया है, अब तो घूमो।